काशीपुर में बीते दिनों घर में घुसकर मकान मालिक से मारपीट, जान से मारने की धमकी देकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ही गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि 6 से 7 दिनों से कुछ बाहर के लोग चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने टीम गठित कर शुगर फैक्ट्री से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध असलाह कारतूस भी बरामद किए हैं। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और हमारे माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि त्वरित अनावरण होना है, सफलतापूर्वक और कंप्लीट अनावरण होके सभी बरामदगी होना है और उनके ऊपर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करना है। ऐसा हमारा माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है कि जो बीते दिनों जो सनसनीखेज डकैती का प्रकरण हुआ था, कहने को तो वो काशीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता था, पर वो काशीपुर और आईटीआई का बॉर्डर क्षेत्र में बहुत ही मतलब सुनसान खेत के बीच में एक मकान था। उस मकान पे कोई कैमरा वैमरा बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड नहीं था, तो ऐसी जगह पे कुछ काफ़ी संख्या में हथियारबंद लोग आए, घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो रहती है उसको तोड़ के अंदर घुसे। जब घर के लोगों ने विरोध व्यक्त किया तो इनके द्वारा तमंचे की बट से हमला करके उनको उनके उनके घर से जो है लूटपाट बचाई गई, विभिन्न प्रकार के गहने और कैश को लेके चले गए। तो प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने दुरुस्त नमूना दिखाया। केवल ये नहीं कि थाना कहाँ हुआ है, हमारा आईटीआई एसएचओ ने तुरंत किसी से पूछे बिना ही तत्काल लग गया प्रवीण कोश्यारी, उसके अलावा उनकी टीम, काशीपुर की समस्त टीम लग गए। विद इन 1 आवर हमने सारे जगह से नाकाबंदी करके कैमराज देखना शुरू कर दिया था।